नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, वो है इंदौर का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड भुट्टे का किस। इस किस की रेसिपी को हम आज बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं। इस बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म भुट्टे का किस बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी बारिश के मौसम में ये देशी भुट्टे हमें इजीली मिल भी जाते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम किस बनाने के लिए कौन से हमें भुट्टे चाहिए वो देख लेते हैं। आप इन्हें चाहे भुट्टा बोल सकते हैं, चाहे इन्हें आप मक्का भी बोल सकते हैं। देखिए, हमें ये इस तरह के बिल्कुल सॉफ्ट वाले देसी भुट्टे लेने हैं। देखिए, इसमें नाखून प्रेस करने के बाद में इसमें से दूध निकल रहा है। मक्का इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अब इन मक्का को हम छील के साफ़ कर लेंगे और इसमें बाकी चीज़ें जो यूज़ में आएंगी उन्हें देख लेते हैं एक बार। धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, नमक, देसी घी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, राई, जीरा, डेसिकेटेड कोकोनट जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं, चीनी, नींबू का रस और एक कप नॉर्मल दूध। नॉर्मल साइज़ के हमने ये 5 भुट्टे लिए हैं। अब इन्हें ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से पहले इन्हें छील कर और इसका रेशा पूरी तरह से निकाल देंगे। इसमें रेशा बिल्कुल भी न रहे, इस बात का ध्यान रखें। इन्हें अब ग्रेट कर लेंगे। भुट्टे को चारों तरफ से घुमाकर ग्रेट करेंगे जिससे ये सभी जगह से एक जैसा ग्रेट होगा। सभी भुट्टे ग्रेट कर लिए हैं। देखिए, आप ये ग्रेट करने के बाद ये इस तरीके से हमारे भुट्टे हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कोई भी पैन या कढ़ाई लेंगे और इसे रखेंगे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। उसके बाद में डालेंगे 1/2 टीस्पून राई या सरसों के दाने कह सकते हैं इसे आप। साथ ही डालेंगे इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा। दोनों को तड़कने देंगे। अब उसके बाद डालेंगे इसमें हम 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुट्टे के किस में कोई मसाले नहीं डालते हैं, सिर्फ हरी मिर्ची का ही इसमें फ्लेवर आता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा डालते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे हम ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे कि ग्रेट कर लिया है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 1/2 से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे इसे भी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए भुट्टे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हमें लो टू मीडियम ही रहने देना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप दूध। 1/2 कप दूध हम इसमें बाद में डालेंगे, 1/2 कप अभी डालेंगे। दूध डाल के मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़े, इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे थोड़ा सा फैला देंगे और ढक कर हम 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। 4 मिनट के बाद चेक करेंगे और इसे थोड़ा सा अभी और चलाएंगे। कढ़ाई में अगर साइड में लग गया होगा तो सारा निकाल के बीच में कर देंगे। अब इसमें बचा हुआ 1/2 कप दूध वो डाल देंगे। पूरा दूध इसमें हम एक साथ नहीं डालेंगे, आधा आधा करके ही डालेंगे। फिर से दूध के साथ इसे मिक्स करेंगे। अगर इसमें लम्स वगैरह पड़ गए हों तो थोड़ा सा मैश कर देंगे हम स्पैचुला से। अब इसे दोबारा से ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 3 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। अब ये किस हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसने साइड छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। 2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम चीनी। चीनी से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका टेस्ट भी बैलेंस हो जाता है। और 1 चम्मच डाल देंगे हम नींबू का रस। सभी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे अब मिक्स। इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, इसलिए ये बहुत पौष्टिक होती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें। फ्लेम को यहाँ पर हम लो टू मीडियम ही रखेंगे।
और इसे अभी हम एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा और भून लेंगे। देखिए इसने साइड छोड़ना बिल्कुल शुरू कर दिया है, मतलब हमारा ये भुट्टे का केस फ्राई हो गया है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम ये नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये नहीं हो और फ्रेश कोकोनट हो तो उसको भी आप इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस बंद कर देंगे। लीजिए हमारा ये भुट्टे का केस तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे हम सुबह के नाश्ते में या फिर शाम को स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। इसे बनाने में सिर्फ 10 से 12 मिनट का समय लगता है। ये ठंडा होने के बाद में एकदम से खिला खिला हो जाता है। अभी ये गर्म है इसलिए अभी ये एकदम से खिला नहीं है। अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। भुट्टे के केस में नारियल का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे आप इसमें इसको डेसिकेटेड कोकोनट डालिए, चाहे इसमें फ्रेश नारियल डालिए, लेकिन डालना जरूर है कोई सा भी नारियल इसके अंदर में। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। लीजिए हमारा भुट्टे का केस तैयार हो गया है। अब इसे आप बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की भुट्टे के केस की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी केविंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।